हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष एके गैरी रॉच एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, यार आज को लोग गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि थोड़ा लेट हो रहे थे, जिम गया था, उसके बाद जल्दी जल्दी मैं घर आया हूँ एंड मौसम पूरा बारिश का हो रहा है। ठीक है, शीशे का आप ये देख सकते हो बारिश। ठीक है, सो भाई आज क्या होने वाला है व्लॉग में मैं बताता हूँ कि मेरा दोस्त है, ठीक है, वो हरियाणा से आ रहा है आज मुझसे मिलने एंड उसे मतलब कुछ काम भी है, मतलब कि पापा डॉक्टर हैं तो उसे पापा से भी मिलना है, कुछ दिखाना है अपने आप को। ठीक है, सो उसे लेने जाते हैं। तो चलिए यार मैं स्टार्ट करता हूँ आज का व्लॉग। सो कैमरा मैं लगा देता हूँ इस तरफ, देखो यार ये है हमारा कैमरा स्टैंड। ठीक है, बट मैंने ना लास्ट व्लॉग में एक चीज़ नोटिस करी है कि जब अगर मैं कैमरा ज़्यादा बाहर रखता हूँ स्टैंड है तो वो ना ज़्यादा शेक होता है, वो आपने भी नोटिस किया होगा। तो मैं कैमरा ना उसकी तरफ रखूँगा जिधर वो स्टैंड होल्ड करेगा वो उस चीज़ को, तो जिससे कम शेक हो। और चलते हैं, चलो भाई ये और मैं जा रहे हैं, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। भाई हमारे भाई साहब को ना ये कैमरा लगाना नहीं आ रहा था तो हमने साइड में रोक के पहले कैमरा लगाया। ठीक है, तो चश्मा लगा के बैठा आपको सही दिखेगा ना, 0.75 नंबर है, 0.75 में चश्मा लगा के बैठे जैसे गाड़ी में सही दिखे। और क्या, चलाने की तो बात नहीं, लाना भी जरूरी है। तो भाई ये है हाफ उठ चुंगी और हमने लगा दी है सफारी के पीछे। वैसे तो इस लेन में लगानी नहीं थी बिकॉज जो राइड जाते हैं वो बंदे होंगे इस लेन में। देखो पोस्ट हम काफी जल्दी जाते हैं पर यार ये जो ट्रैफिक है ना गाजियाबाद का बहुत ही ज्यादा है। एक तो यहाँ रेड लाइट स्टार्ट हो जाती है तो तुम्हें रुक रुक के चलना पड़ता है, फिर फ्लाईओवर है और ये ऑटो वाले तो भाई साहब बिल्कुल नहीं देखते किसी को, दो तीन बार तो मेरे सामने आ गया। बस भाई बचा के चलो, बाकी सबको अंदर समझो, तुम सही चलाओ, बस यही है भाई ड्राइविंग का सीन। तुम कह रहे हो कि ये कल का आया हुआ ड्राइवर हमें सिखाना है, कोई बात नहीं भाई, जो सिखाया भाई वही बता रहा हूँ। जो हमारे पंडित जी थे ना जिनसे हमने पूजा करवाई, तो भाई उन्होंने इतनी प्यारी बात करी ना, मतलब कि ये बोला कि कभी गाड़ी में बैठ के कोई ऐब नहीं करना। ऐब बोले तो ड्रिंकिंग वगैरह, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, और बिल्कुल जब आप ड्राइव कर रहे हो ना तो अपने माइंड से जो भी नेगेटिविटी है या फिर कुछ भी है वो सब हटा दो, मतलब ड्राइव कर रहे हो तो सिर्फ फोकस रखो, नेगेटिव चीज कुछ मत रखो अपने दिमाग में। तो इतनी अच्छी बात लगी, मतलब कि यार चलो सही है, अच्छे अच्छा ज्ञान दिया पंडित जी ने हमें वहाँ। ये देख कैमरा अपना, देखो भाई साहब आ गया हमारा चीता। क्या हाल है ब्रो? भाई को ज्यादा ही वेट करवा दिया, कितनी कितनी देर से खड़ा है? पौना घंटा भाई, 45 मिनट मेरे भाई को। पौना घंटा क्यों? ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया। चलो भाई अब चल। भाई देखो रूहिल को तो काफी टाइम वेट करवा दिया एंड यार वो कह रहा था यार भूख लग रही है थोड़ा, तो जब हम लास्ट मतलब कुछ पिछले भी लोगों में आपने देखा होगा कि हम बर्गर खा के गए थे यहाँ पे और ये हमारे द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पूरी दुकान ही है। ठीक है, एंड मतलब ऐसा नहीं है रेस्टोरेंट टाइप में, पर सिटिंग इनकी बाहर है और बनाने का अंदर अंदर इधर है, किचन अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से मोमोज ऑर्डर करे हैं और ये दोनों भाई गाड़ी में बैठे हैं, अंदर दिख नहीं रहे पर बैठे अंदर ही हैं वो। ठीक है, तो भाई आ जाए, भूख तो मुझे भी लग रही है, मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो लेते हैं भाई बर्गर वगैरह, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से।
भाइयों देखो बर्गर खा लिए हैं एंड हमने एक ये बर्गर खा लिए ना खाई क्या बता दे खा लिए देखो बर्गर खा लिए एंड हमने स्टीम वो कुरकुरे मोमोज खाए हैं चीज एंड कॉर्न वाले एक प्लेट मोमोज और आ रही है। हेलो भाई आ गए हैं इजी भाई देखो हमने कर लिया सीट स्विच ठीक है तो भाई साहब चला रहे हैं भाई साहब पहली बार ट्रैफिक में चला रहे हैं और कॉन्फिडेंस है कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस देख रहा तू लड़के का तो नाम ले लोंडे पूछे घर के बाहर ठीक है तो भाई देखें जरा अभी तो वो ये हाफ उड़ चुकी है ना तो वापस जा रहे हैं घर हमारे भाई साहब जरा छिप गए हैं पीछे बैठे हैं चलो भाई देखते हैं क्या सीखना है भाई घर आ गए हैं एंड जो है हमारा यहाँ पे काम था ना मेन जिसके लिए रुईल यहाँ पे आया था वो भी हमने कर लिया है और ये देखो ये बैठ हुआ हम देख रहे हैं मेजर आधी कंप्लीट हुई है तो भाई चलो भाई अब जा रहे हैं भाई रुईल को छोड़ने देखो लेके आए हम भाई को छोड़ने जा रहे हैं ठीक है तो सीट तो हो गई एक्सचेंज और देखो भाई पीछे देख लो जरा पीछे भरे पड़े हैं ये कह रहे हैं कि भाई इतनी दूर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो भाई देख के आएंगे घूम के आएंगे तो चलो भाई ने भी लेके चल रहे हैं साथ में या फिर तुम मुझे लेके चल रहे हो एक ही बात है ठीक है तो मिलते हैं भाई रास्ते में तो भाइयों मेरा भाई रुईल चला गया भाई अब वो जाएगा अपने घर हरियाणा हमने देखो यहीं से उठाया था और यहीं कर दिया उसका ड्रॉप तो भाई अब जो मेहमान हमारे साथ गाड़ी में है इनका जरा हिसाब बांधना पड़ेगा तो बताओ भाई कहाँ चलना है कवि नगर चल रहे हैं कवि नगर तो सो भी गए थे यार तो देख लो फिर भाई देखो यार सुबह तो हम खा के गए थे अब देखो ये लपेट रहे हैं भाई बर्गर पूरा मेरे भाई को भी देख लो जरा ये इसने भाई छोले भटूरे भी नहीं खाए कर रहे चीज इतना है लग तो ना रही है पनीर रखा है कोई बात नहीं भाई ठीक है तो जरा देख लो भाई कैसे देखो ये छिप गया भाई ठीक है भाई बारिश हो रही है लगातार पूरा मतलब मौसम बांध रखा है इन्होंने तो भाई पर बारिश में भी ना यहाँ पे कवि नगर में भीड़ कम नहीं हो रही आप देख सकते हैं ये चीज पूरा ना इधर भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है आगे भी गाड़ी है और यहाँ तो मुझे मोहित के पापा भी मिल गए गाड़ियाँ पर शायद उन्होंने देखा नहीं मुझे कोई बात नहीं चलो भाई जरा इन्हें खाने दो उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से भाई गाड़ी पे कवर ओवर डाल के हमने कर दिया बिल्कुल बंद भाई बिल्कुल मतलब पार कर दिए अब एक दो दिन तक हाथ नहीं लगाना पापा ने कह दिया कि भाई बहुत गंदी है अब देखो सीन हो गया था कि हम स्कूटी भी यहीं पे ले आए थे बाइक भी यहीं पे ले आए थे दोनों ही खड़ी अब मैं जाने वाला हूँ इन दोनों में से किसी एक पे वो हम डिसाइड कर लेंगे अब ये गेट बंद कर देते हैं पार्किंग का उसके बाद ना बाइक पे बैठते हुए मिलता हूँ आपको या फिर स्कूटी पे सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग अभी जस्ट एंड कर रहा हूँ ठीक है सारी क्लिप्स एडिट कर दिए हैं ये लास्ट क्लिप है वो भी एडिट मतलब इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत